हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आयदा का ये 1 मंथ का शूटिंग है, तो ये सेटअप हो गया तैयार और हमने पहले ही से आपको सेटअप दिखा देते हैं कि हमने सेटअप किस तरीके से तैयार किया था। तो चलिए चलते हैं। जब हमने सेटअप की रेडी की थी तो हम किस तरीके से कर रहे थे, ये कुछ तरह ये रफ था। ये मेरी पार्टी का था, बैचलर पार्टी का रफ पेपर थे, तो ये वेस्ट हो चुका था। तो मैंने ये ले लिया और इसको बैक साइड करके इस पर मैंने लिखना स्टार्ट कर दिया। तो देखिए मैं क्या लिख रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर डाल दिया है डेट, और आएगा हुई है 1 मंथ की। तो आएगा 1 मंथ की हो चुकी है और 1 मंथ होते ही मैंने तैयारी शुरू कर दी थी। तो ये तैयारी मैं कर रही थी एक दिन पहले ताकि ये जल्दी काम शूट कर लें। तो जो भी शूट होता है ना, आप अगर एक दिन पहले रात में कर लेते हैं तो आपको बहुत ही आसानी होगी। एक दिन शूट करने से पहले ये होता है फ़ायदा कि हम अगले दिन उसे स्टेटस पे या वीडियो पे डाल सकते हैं। और जिस दिन एक्चुअली आप जिस दिन बच्चा अपना मंथ कंप्लीट कर रहा है उसी दिन वीडियो शूट करेंगे या फोटो शूट करेंगे। तो बच्चा कभी कभी मूड पे डिपेंड करता है कि बच्चे का मूड है या नहीं है, वो आपको इस तरीके से नहीं दे पाएगा अपना फूल जो इस तरीके से आप लेना चाहते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे पहले से तैयारी कर ली है। मैंने यहाँ पे लिख लिया है आइज ऑफ मंथ कम्प्लीटेड और मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें ले ली हैं। तो यहाँ पे ये बिल्कुल कलरफुल थीम है आइजा का, तो मैंने यहाँ पे जेम्स मक के 4 पैकेट मंगा लिए थे और अब मैं बस इसकी तैयारी शुरू कर देती हूँ। तो सेटअप कुछ इस तरीके से बनाया था, ड्रेस जबकि हमारी इस तरीके से देखिए बिल्कुल जेम्स से मिलता जुलता कलर है ना। जैसे ही ड्रेस हो ना, आप इसी तरीके से बच्चे को तो यहाँ से हो गई है 1 मंथ कम्प्लीट। हमारे आइजा की फ़ोटो शूट हो गई है, वीडियो शूट हो गई है, देखिए आइजा सारी लग रही है। और अब हो गया है यहाँ पे सेटअप दोबारा से रेडी। अब देखिए हमको कितना अच्छा लग रहा है सेटअप। ये था लास्ट दिन जो हमने पैकअप करने के बाद लिया था। तो आप इस तरीके से बच्चे का 1 मंथ कम्प्लीट होता है शूट ले सकते हैं।